ओलंपिक एथलीट सार्थक भामरी जी। सार्थक जी, पहला मेडल जो है गोल्ड एथलीट में मिला है, आप ये एथलीट है किस तरीके से देख रहे हैं? मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमारी स्पोर्ट्स ने, हमारे नीरज चोपड़ा जी ने एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल लिया है, जैवलिन थ्रो में हमारे सारे एथलीटों ने जी जान लगा दी और हमारे देश का नाम ऊंचा करने की पूरा एफर्ट डाला, पूरा ट्राई करा और हमारे को सरकार से बहुत अच्छा सपोर्ट है। हम आगे जाके और अच्छा करेंगे इसके। पूरी तरीके से जो स्वागत हो रहा है देशवासियों में, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। हमने अपनी पूरी जान लगाई है, जितनी हमने जान लगाई उससे ज़्यादा अच्छे से हमारा स्वागत किया जा रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये सार्थक भामरी थे, एथलीट थे। कैमरामैन आसिफ के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी दिल्ली। दुकान पा दुकान पाठक जी हमारे साथ बात करने के लिए। सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं एथलीट में, सर एक गोल्ड आया है पहली बार इस तरीके का मौका, और कितना भव्य स्वागत जो है यहाँ पर किया जा रहा है? देखिए, ये तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग आए हैं यहाँ या कहीं भी जहाँ स्वागत कर रहे हैं, उन लोगों को लग रहा है कि उन्होंने मेडल जीता है। तो जब उनके आत्मा से वो अगर आवाज़ निकल रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि नीरज ने नहीं 130 करोड़ जनता ने मेडल जीता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये 130 करोड़ जनता अगर स्वागत कर रही है तो आने वाले दिन में ये मैदान पर भी उतरेगी। कितनी बड़ी चुनौती सर आप मानते हैं, क्योंकि भारतीय परिवेश में सर ओलंपिक में सर इस तरीके से मेडल जीतना कितनी बड़ी चुनौती थी? एक तो एथलेटिक्स में सबसे बड़ी बात तो कंट्री खेलती है, कुछ और जो टीम इवेंट्स हैं उसमें 16 कंट्री खेलती है, तो आपको समझना पड़ेगा इंडिविजुअल इवेंट में, खासकर एथलेटिक्स में 200 कंट्रीज से जीत कर लोहा लेकर के मेडल जीतना, ये बहुत ग्रेट चीज़ है। और नीरज ने जिस शानदार तरीके से वहाँ परफॉर्म किया है वो तो मैं खुद गवाह हूँ, लेकिन वो कभी हो नहीं सकता। सर, आपके ऊपर तो पूरी जिम्मेदारी थी, किस तरीके का पूरा वहाँ पर माहौल था जब आप मैच से पहले वो उतर रहे थे, या फिर कहें कि जब ओलंपिक में गोल्ड जीत लिया तो? देखिए, नीरज कभी भी डिस्टर्ब नहीं था, वो बहुत ही ग्रास रूट लेवल का एथलीट है और उसका कॉलर भी हाई नहीं होता है, तो जो खेलने के बाद जब थ्रो भी कर रहा था उस टाइम भी उसी तरह काम था, और मेडल जीतने के बाद भी उसी तरह काम, ऐसा नहीं रहा कि किसी को चिल्ला करके, क्योंकि उसको जर्मन वेटर ने चैलेंज किया था ट्वीट करके कि वो 96 मार करके आया था कि नीरज नहीं जीत पाएगा, लेकिन नीरज ने अपने कामनेस से जीत कर दिखा दिया कि जज्बा अगर हो और 130 करोड़ जनता का साथ हो, उसका प्यार साथ हो, तो शायद मेडल दूर नहीं है और आने वाले दिन में नीरज एक मिसाल बन के रहेगा और मेडल जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मधुरेंद्र पाठक जी थे जो कि टीम लीडर थे और साफ तौर पर बता रहे कि किस तरीके का जो माहौल है वो फिलहाल जो है टीम में देखने को मिल रहा था, और अब को लेकर भी जो है वो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन आसिफ के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी दिल्ली। तो वाकई जज्बा हो और 135 करोड़ के देशवासियों का प्यार हो तो कोई भी मेडल दूर नहीं है। हमारे से स्पर्श ने बातचीत की है मैरीकॉम के कोच से, क्या कुछ कहा है उन्होंने सुनते हैं। बात करने के लिए मौजूद है सर, एमसी मैरीकॉम के कोच छोटेलाल यादव जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, किस तरीके से इस पूरे परफॉर्मेंस को देखें, अगर ओलंपिक की बात करें, एक मेडल जरूर जो है भारत की झोली में आया है। हाँ, एक मेडल आया है तो ये अच्छी बात है कि हम लोग खाली हाथ नहीं आए हैं बॉक्सिंग टीम से, लेकिन जो डिसीजन वहाँ पे हुए हैं वो सही नहीं हुए हैं, जो कंट्रोल से डिसीजन रहे, आपने देखा होगा मैरीकॉम का बोर्ड भी देखा होगा और बाकी बोर्ड भी देखा हो, तो जो चीज़ें हैं वो डिसीजन सही नहीं हुए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। बाकी मुझे लगता है कि बेस्ट ठीक परफॉर्मेंस है, लेकिन मैरीकॉम कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन है तमाम भारतवासियों के लिए, या फिर कहीं के जो नए बॉक्सर हैं उनके लिए। इतनी उम्र में भी उन्होंने जिस तरीके से फाइट लड़ा, हमने देखा कि पूरे एग्रेसिव तौर पर जो है वो लड़ती हुई नजर आई थी। मैं कम से कम 10 सालों से मैरी को ट्रेनिंग करा रहा हूँ, और मैरी जैसा डेडिकेशन और फोकस से ट्रेनिंग करने वाला कोई नहीं है, और मैरीकॉम को देख करके लवलीना बॉक्सिंग स्टार्ट की है और उसके बाद मेडल लेके आ रही है, ओलंपिक मेडल लेके आ रही है, ये बहुत बड़ी बात है देश के लिए कि मैरीकॉम जैसी लेडी है यहाँ, बॉक्सर है जो उसको देख करके एक बॉक्सिंग शुरू किया, उस लड़की ने मेडल लेकर आया, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब आने वाले समय फ्यूचर की बात करें तो किस तरीके से आप बॉक्सिंग को देख रहे हैं कि भारत में, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मेडल मिला तो उत्साह जो है कहीं ना कहीं भारत के तमाम खिलाड़ियों में रहेगा? आने वाले समय में मुझे लगता है कि हम लोग पेरिस में हम लोग अच्छा मेडल लाएंगे, 2-3 मेडल लाएंगे और भी बॉक्सर अभी बढ़ चढ़ के बॉक्सिंग खेलने के लिए आएंगे।
थैंक यू, शुक्रिया। तो ये थे एमसी मैरीकॉम के कोच छोटे लाल जी, जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन आसिफ के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी दिल्ली। तो मैरीकॉम के कोच ने क्या कुछ कहा सुना आपने। अब आगे हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा ने लवलीना के कोच से बातचीत की है, जो ब्रॉन्ज मेडल जिन्होंने जीता है, सुनते हैं। लवलीना के कोच हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, ओलंपिक में बॉक्सिंग में जो है भारत को एक मेडल मिला है, पहले तो किस तरीके का जो एहसास है सर, और उस जिस तरीके का माहौल एयरपोर्ट पे देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? ये खिलाड़ियों के लिए बहुत उत्तेजना वाला खेल है। नीरज चोपड़ा जी बाहर आ चुके हैं, पहले तो आप उनको देखिए, कवर करिए, मेरे को बाद में कर लीजिए, वो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट हैं। बिल्कुल सर, नीरज से बात करेंगे। और सर, जिस तरीके से हमने देखा कि जो बाउट थी वो जो है फाइनल तक वो पहुंची, कहीं ना कहीं एक कमी जो है रह गई, और फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स की बात करें तो किस तरीके से जो है आने वाले समय हम फ्यूचर को देखें? देखिए, ये जो समय है, ये महामारी का समय निकला, जिसके अंदर एक अपने आप को बंधित रखना था, अपने आप को सीमाओं के अंदर रहकर हमने अपनी तैयारी करनी थी, और उसी मानसिक दबाव और शारीरिक दबाव को झेलते हुए हमने परफॉर्मेंस भी देनी थी। आम आदमी के लिए तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन खिलाड़ी के लिए बहुत फ़र्क पड़ता है। इस महामारी के अंदर जरा सा टच लवलीना को भी हुआ था, लेकिन लवलीना ने इसको कॉप करके मेडल जीता, और ये काबिले तारीफ है, पूरे देश के लिए तारीफ है, और हम अपने खिलाड़ी को नमन करते हैं, और पूरे देश उनके साथ खड़ा है और उनको चीयर कर रहा है। बहुत शुक्रिया। और एक बार तस्वीरें भी दिखा देते हैं, अलग अलग है वो आज जो है फिलहाल एयरपोर्ट पर जो बाहर है वो कहीं ना कहीं जो है आते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की लवलीना के कोच से, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि एक ऐतिहासिक पल जो है कहीं ना कहीं था बॉक्सिंग में, जब लवलीना ने मेडल जीता। दीपक पुनिया जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। दीपक जी, ओलंपिक से वापस लौटे, देखो जी, बहुत स्वागत बहुत अच्छा हुआ है, और मेरे को बहुत मतलब दुख है कि मैं देश को मेडल नहीं दे सका, और 2024 में मैं अपना बिल्कुल बहुत अच्छी तैयारी करूंगा और देश को गोल्ड मेडल देने की पूरी 100% कोशिश करूंगा।